मैं एक थोड़ा और एक टेक्निकल पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है, आप ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। आज के दिन बिल्ड टू सप्लाइड टू का एक केस होता है, बिल्ड टू मी सप्लाई टू समबडी एल्स, ये केस होता है। एक्साइज में भी आप डील करते हो, सेल टैक्स में भी डील करते हो। इसमें आप कैसे डील करते हो समझो। मैं अगर आप इसे पूछ लूं, आपने जो क्वेश्चन किया मैं आप इसे चलता हूं, बिल टू आपकी दूसरी पार्टी लुधियाना में है, आप ही ने जो क्वेश्चन किया, लुधियाना में पार्टी है, आप कहते सप्लाई टू ये अहमदाबाद में पार्टी है, अहमदाबाद में सप्लाई कर दो, ठीक है। लुधियाना में बायर आपका लुधियाना में है, आप सेलर लुधियाना में हो, लेकिन वो कहता है जी जो मेरे गुड्स है ना, बिल मुझे भेज दो, माल अहमदाबाद भेज दो। आज के दिन आप क्या करते हो? प्लीज डोंट माइंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्वेश्चन यू, मैं आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन। आज के दिन ये ट्रांजेक्शन है, बिल मुझे कर दो, माल मेरा आप अहमदाबाद भेज दो। ना ना, वो तो कागज आपने तैयार किया, आपने लिखा बिल टू लुधियाना पार्टी, शिफ्ट टू अहमदाबाद पार्टी, उस पर टैक्स कौन सा लगाते हो? एक बार मुझे इनका सुनने दो। आज के दिन बिल टू शिफ्ट टू कागज तो बना दिया आपने, लेकिन टैक्स कौन सा लगाते हो? टैक्स कौन सा लगाते हो? जो मैंने पहले सेंटेंस यूज किया था ना, आप सारे गलत कर रहे हो। गुड्स तो इंटरस्टेट चले गए, तो वैट कहां से आ गया? आप सारे गलत करते हो, लेकिन पंजाबी के देखने वाला भी पंजाबी, तो मैं भी पंजाबी, काम चल गया, लेकिन वो बात गलत है। कारण मुझे गुड्स देखने कहां से काम मूव हुए, इट्स ए इंटरस्टेट मूवमेंट, आई नीड टू चार्ज सीएसटी देयर ऑन, एंड इन केस द अदर ऑफिस हैपन्स टू बी माई ब्रांच ऑफिस, आई विल गिव हिम फॉर्म एफ, फॉर्म स्टॉक ट्रांसफर का फॉर्म है ना, मैं फॉर्म यू एफ फॉर्म यूज करूंगा। एक्सपोर्ट के केस में एच होता है यूज, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के केस में एच है, ब्रांच ट्रांसफर केस में एफ है, मैं एफ फॉर्म दूंगा और सीएसटी ट्रांजेक्शन लगेगी। क्लियर? अब एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम सेल टैक्स में कहते हैं ईवन ई टू सेल, अगर आपने सुना हो ईवन सेल ई टू सेल। ईवन ई टू सेल इज डोमेस्टिक हाई सी सेल, हाई सी सेल होता है इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट बिफोर गुड्स आर क्लियर्ड यू सेल इट टू समबडी, दिस इज ए ट्रांजेक्शन ऑन विच नो टैक्स इज लेविड। एक होता है इवन सेल ई टू सेल, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, कारण आपको एक्ट पढ़ के ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 है जो आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसलिए इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ईवन ई टू के सेल में क्या होती है, दैट यू आर ए बायर सिटिंग इन पंजाब, लुधियाना में आप बैठे हो, आपने कोई चीज गुजरात से मंगवाई, गुजरात से मंगवा के, या तो आप उसको कहते हो यार, और वही चीज आपने सेम की सेम आपने किसी को दिल्ली में बेच दी, आप क्या कहते हो गुजरात वाले को, कहते हो यार ऐसा बिल मुझे भेज दे, माल दिल्ली भेज दे, बिल टू सप्लाई टू, और आप क्या कहते हो माल जब वो डिस्पैच में गया ना, रास्ते में आपने जयपुर में ट्रांसपोर्टर को कहा भैया यार तू ऐसा है, तू लुधियाना मत ले गया ना, तू ये माल दिल्ली छोड़ देना, ये बिल्टी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, इस पार्टी को दे देना, ठीक है। कहते दिस इज ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो इस ट्रांजेक्शन को हम ईवन ई टू सेल कहते हैं, हाई सी सेल विद इन इंडिया, यू सेल इट टू समबडी, तो आप जो हो आप पे एक टैक्स वो लगा देता है, जब आप सेल करते हो आप उसको लिखते हो अगेंस्ट ईवन फॉर्म, आपका जो सेलर है वो आपको ईवन फॉर्म देता है, आप उसको सी फॉर्म देते हो, आपका जो परचेजर है वो आपको सी फॉर्म देता है, तो आपके केस में एक ईवन आ गया, दो सी आ गए, तो आप कहते हो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये टेक्निकल ट्रांजेक्शन है, आप कहते हो कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेम ट्रांजेक्शन इसने उसमें क्या कहा,
आप टैक्स लगाओगे। अहमदाबाद से पंजाब में आई, वो जो इनवाइस रेज करेगा वो आपको आईजीएसटी लगा के रेज करेगा। आपने उसको दिल्ली भेज दी, आप दिल्ली वाले को आईजीएसटी लगा के करोगे। ई1 फॉर्म, सी फॉर्म, सारा कंसेप्ट खत्म। कोई ऐसा इनवाइस नहीं होगा जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगेगा। वो जो नहीं लगने वाला केस है, ना लगाने के लिए उसने फॉर्म इंट्रोड्यूस किए, इसने फॉर्म बाहर निकाल दिए और टैक्स लगा दिया। अगर आप ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, अगर आप आगे बेच देते हो बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो आप भी टैक्स लगाओगे, आपके पीछे वाला भी टैक्स लगाएगा, दोनों टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अब उसमें केजी अलग सेक्शन क्यों दिया? सेक्शन इसलिए दिया क्योंकि उस केस, फर्स्ट केस में क्वेश्चन आया दिस मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, वो हुई नहीं। उसने कंसेप्ट क्या दिया था कि मैं देखूंगा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर द डिलीवरी, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी। जब मैंने रस्ते में ही ब्रेक मार दी, किसी को डिलीवरी दे दी, तो मेरे पास मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट कहां हुई? तो उसको कवर करने के लिए ऐसे केसेस को जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट नहीं हो रही फिर भी आईजीएसटी लग रहा है, उसके लिए उसने सेपरेट सेक्शन दिया। मैं पहली चीज इंटरेस्टिंग इसमें एक पार्ट और, दिस एक्ट अप्लाइज टू जे एंड के आल्सो। बाकी एक्ट्स जे एंड के पे अप्लाई नहीं होते, आर्टिकल 370 लगता है, लेकिन इस केस में जीएसटी जे एंड के पे भी उतना ही अप्लाई करेगा जितना पंजाब से करेगा। एक एस्पेक्ट। दूसरा, आपने क्या कहा, जे एंड के से कस्टमर आता है किसी भी स्टेट से आता है, बिल्कुल ठीक है। अब केस ये आया कि पहले जो एक ग्राउंड रियलिटी है, कहते वो भाई साहब थैला लेके आए थे, उन्होंने से मेरे माल मांगा, कैश पेमेंट दी, मैंने उसको माल दे दिया, तो ये कौन सी सेल हुई? फिर वो थैले में उठा के बस पे बैठा, वो दूसरी स्टेट चला गया। न कैश में टैक्स तो नहीं डिटरमिन हुआ, कैश और नोट होगी वो तो अलग होगी। मैं पार्टी का नाम भी लिख दिया। हाँ जी, और हम पार्टी को क्रेडिट भी दे रहे हैं, बिल इशू कर रहे हैं, इनवॉइस इशू कर रहे हैं और पार्टी का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, एंड पार्टी बिलोंग्स टू जेएनके, तो अब उस केस में कौन सा होगा? गुड्स नहीं डिलीवर करते। साहब ने बता दिया। मैं अब थोड़ा सा मुझे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा समझाने के लिए। आप तीन चीजें देखते हो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी, आईजीएसटी और लोकल और इंट्रा सेल या इंटरस्टेट के लिए। फर्स्ट इज वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, वो किसके केस में? रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के केस में। जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है उसके केस में अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मुझे यहां डिलीवरी ले गया, मैंने उसको यहीं दे दी, लेकिन वो उठा के बाहर ले गया, तो मेरा टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन दूसरी स्टेट का है। दूसरा केस आता वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन नहीं, वो तो कस्टमर था, वो मेरे से टीवी खरीदने आया, मैंने उसको टीवी पकड़ा दिया। ठीक है, इस केस में उसने दूसरा एक कंसेप्ट दिया, इन केस एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज ऑन रिकॉर्ड, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज ऑन रिकॉर्ड, तो उस एड्रेस के बेस पे डिटर्मिनेशन होगा। सपोज आप दिल्ली गए, दिल्ली से आपने टीवी उठाया, अपनी कार में रखा, यहां आगे, लेकिन उस बंदे को आपका एड्रेस उसके रिकॉर्ड पे है, उसको पता है ये साहब जिनका एड्रेस ये है लुधियाना से आए थे और ये मेरे से टीवी लेके गए हैं, तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। कहां? ऐसा है, उसने कंसेप्ट क्या दिया, मूवमेंट ऑफ गुड्स का एक कंसेप्ट, दूसरे केस में वो कहता है इन केस एड्रेस इज ऑन रिकॉर्ड, ये डेफिनेशन दी उसने एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, कारण कोई कस्टमर भी हो सकता है। आप अंदाजा लो, इंपोर्ट किया आपने, आप तो कोई इंडस्ट्री से नहीं, आपने पर्सनल इंपोर्ट किया, सेम मैं इंपोर्ट पे एग्जांपल देता हूं, आपने पर्सनल इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने पे आप ड्यूटी पे करोगे, उस ड्यूटी का
टैक्स तो मिलना है स्टेट को, कौन सी स्टेट को टैक्स मिलेगा? आप तो टैक्सेबल नहीं हो, आप तो जीएसटी पर रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आपने तो इंडिविजुअल इंपोर्ट किया, आपने टीवी इंपोर्ट किया। जब टीवी इंपोर्ट किया, आज के दिन भी आप ड्यूटी देते हो, आज के दिन वो सारा पैसा किसके पास जाता है? यूनियन ऑफ इंडिया के पास। अब अगले केस में पार्ट ऑफ द पैसा यूनियन ऑफ इंडिया का है, पार्ट ऑफ द पैसा स्टेट का है, वो कौन सी स्टेट में जाएगा? जहां पे आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, ठीक है, उस स्टेट में जाएगा। आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है लुधियाना का, आप इंपोर्ट करके मुंबई उतरे, वहां जाके अपनी बहन के पास ही छोड़ाई। मूवमेंट ऑफ गुड्स अटेम्प्ट कहां होगा? जहां पे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। जहां पे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं है, आप एज एन इंडिविजुअल, आपका तो कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, आपने एज ए कस्टमर लिया। अब कस्टमर के केस में भी टैक्स किसको मिलना है? किसी स्टेट को मिलना है ना, जहां कंजम्पशन होगी, वो कौन सी स्टेट को मिलना है? पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे मिलना है। अब कंजम्पशन में कैसे पता लगेगा आप कहां कंज्यूम कर रहे हो? नहीं, पॉइंट ऑफ सेल होगा अगर आपका एड्रेस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। जैसे इंपोर्ट के केस में आपका रिकॉर्ड पे एड्रेस है, आपका पता है भी ये कस्टमर लुधियाना से आया है, तो लुधियाना पंजाब को मिलेगा। आपका रिकॉर्ड पे एड्रेस ही नहीं है, आप सदर बाजार गए, पेमेंट की, माल उठा के चले गए, तो कौन सा सेल कौन सी होगी? सप्लायर के एंड में ही सेल होगी, वो इंट्रास्टेट होगी। लेकिन आप थैले में माल उठा के दिल्ली ले गए, तो मेरे पास कोई वाया मीडिया नहीं, मैं आपको पकड़ूं भी ये माल दिल्ली के गया कि यहां गया, तो ये माना जाएगा कि ये माल लोकली चला गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज अनदर सब्जेक्ट, और एड्रेस ऑन रिकॉर्ड की सबसे ज्यादा रेलेवेंस कहां होगी? सर्विस में, जहां आपने सर्विसेज दी। तो सर्विसेज के केस में सर्विस तो आप पकड़ नहीं सकते, उसमें मूवमेंट तो है ही नहीं, मूवमेंट का तो कंसेप्ट ही नहीं है। उसमें लोकेशन देखेंगे रेसिपिएंट की, सप्लायर की। रेसिपिएंट के केस में एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, इसमें मूवमेंट आ गई, उसमें मूवमेंट की जगह एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एंड टैक्सेबल पर्सन, उसमें दो एड्रेस होंगे। ठीक है, सर्विसेज में रेलेवेंट करेगी, इंपोर्ट में रेलेवेंट करेगी, गुड्स के केस में हम ये प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, दूसरा SEZ का उसने कंसेप्ट दिया। SEZ के केस में सप्लाई टू SEZ विल बी जीरो रेटेड। आप जो SEZ को सप्लाई करोगे, SEZ यूनिट को या SEZ डेवलपर को, इट विल बी कंसिडर्ड एज इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, वो आप जीरो रेट ऑफ टैक्स लगाओगे। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट इज आल्सो जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, एक्सपोर्ट पे टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या है कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, जिसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड कहते हैं। एक्सपोर्ट के केस में जब कंजम्पशन हिंदुस्तान में होनी ही नहीं, तो हिंदुस्तान उसका टैक्स नहीं लगा सकता। तो टैक्सेस आर नेवर एक्सपोर्टेड, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड, टैक्सेस आर नॉट एक्सपोर्टेड। अगर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाओगे, टैक्स एक्सपोर्ट होगा, टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन फार्मों का बिजनेस बंद हो गया, फार्म का कंसेप्ट बंद हो गया। अब इसमें एक्सपोर्ट में क्या, उसने दो रास्ते दे दिए आपको। पहला, आप जो माल आप खरीदोगे वो सारा टैक्स पे करके आएगा, टैक्स फ्री माल नहीं आएगा एक्सपोर्टर को। जो आज फॉर्म एच का चक्कर है, एच खत्म हो गया, एक्सपोर्टर भी माल टैक्स पे करके खरीदेगा। बेचते टाइम उसके पास दो मेथड है, अंडर बॉन्ड और ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अंडर बॉन्ड आप दोगे तो जितना आपने टैक्स पे किया हुआ है उसका आप रिफंड ले लोगे। अगर आप चार्ज टैक्स चार्ज करके दोगे तो टैक्स आप चार्ज करोगे उसका, टैक्स का जितना चार्ज किया उसका रिफंड ले लोगे, जिसको सेंट्रल एक्साइज में रूल 18 और 19 रूल कहते हैं, जो आज के दिन अवेलेबल है, वो उसने कॉपी पेस्ट वहां मार दिया। एक्सपोर्टर के केस में बिना टैक्स दिए हुए एक्सपोर्टर वाला कंसेप्ट जो है खत्म हो गया, एक्सपोर्टर को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद वो रिफंड लेगा। और अगर इंपोर्टेड गुड है, एडवांस लाइसेंस के लिए,
अब सर ने एक थोड़ा और टेक्निकल कर दिया, मैं उसको टच करता हूँ। अगर इंपोर्टेड इनपुट है तो आप IGST दे के आते हो, एक एडवांस लाइसेंस होता है। आप कितने लोग एडवांस लाइसेंस को जानते हो? एक एडवांस लाइसेंस होता है जिसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है। वो एडवांस लाइसेंस का जो अभी कैच है उस पर अभी भी जोर लग रहा है, उसकी अभी तक भी बात खत्म नहीं हुई। कारण ये, वो कहते हैं एडवांस लाइसेंस के केस में हम BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी की तो छूट दे देंगे, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया अपनी छूट तो दे देगी, लेकिन जो CVD और SAD है इसमें स्टेट का हिस्सा है IGST में। वो कहते हैं IGST की अगर छूट दें तो स्टेटों को छूट देनी पड़ती है, स्टेट नहीं राजी होते। वो कहता है एडवांस लाइसेंस का भी अगर सिस्टम रखेगा तो BCD छूट जाएगा, IGST फिर भी लगेगा। जबकि एक लॉबी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या कह रही है कि इस पर IGST भी नहीं लगना चाहिए। नहीं, क्यों ऐसे 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 होगा? जब आप इंपोर्ट करते हो आप IGST पे करते हो, IGST में स्टेट का हिस्सा होगा। ना ना, IGST का रेट क्या होगा? CGST प्लस SGST इज IGST। IGST इज ए वाया मीडिया, अभी फाइनल डिटर्मिनेशन ही, लेकिन रेट क्या है उसका? दोनों का टोटल करके वो रेट है। IGST में स्टेट का भी हिस्सा है, SGST और CGST भी है, लेकिन बंटवारा बाद में होगा, ठीक है? दोनों का है। तो जब इंपोर्ट करोगे IGST लगा, IGST में CGST भी है और SGST भी है, दोनों का हिस्सा, दोनों का हिस्सा आ गया ना बीच में। अब अगर वो कहते भारत सरकार ने छोड़ना है, वो अपना CGST का छोड़ दे। अब IGST में CGST का कैसे छोड़ दे? ये तो एक ही अमाउंट है। तो इसका भी कैच है, इसका वाया मीडिया अभी फाइनल नहीं निकला। ये कोशिश अभी भी जारी है कि किसी तरह ये मसला हल किया जाए, लेकिन अभी ये मसला बना हुआ है, ठीक है? SEZ का मसला सॉल्व हो गया, लेकिन एक्सपोर्टर का मसला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। एडवांस लाइसेंस का कैच अभी भी, एडवांस लाइसेंस आता है रॉ मटेरियल के लिए और उसका भाई है EPCG कैपिटल गुड्स के लिए, ठीक है? ये दो मसले अभी भी कैच में हैं। SEZ पर टैक्स लगेगा? SEZ पे जीरो रेटेड है। अगर आप SEZ को सप्लाई करोगे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है? जब कोई टैक्स नहीं है तो, लेकिन जो आपका सप्लायर है उसने तो टैक्स पे किया हुआ है, वो रिफंड लेगा। अगर वो ऐसा जिद्दी आदमी है, वो कहता मैं रिफंड नहीं लूंगा, मैं तो तुझे टैक्स लगा के दूंगा, तो SEZ रिफंड लेगा। कारण किसी स्टेज तक तो टैक्स दिए जा चुके हैं ना, तो ये है रिफंड कौन लेगा उन टैक्सेस का? रिफंड मिलना है, क्योंकि उस ट्रांजेक्शन को हमने टैक्स फ्री करना है। वो कैसे होगा कि जितने टैक्स दिए जा चुके हैं उसका रिफंड मिले, तो ये रिफंड देने का उसका एक मेथड है। इधर इट कैन बी टेकन बाय SEZ और इट कैन बी टेकन बाय दी सप्लायर टू SEZ। जब SEZ की उसने छूट दी ना, SEZ को वो मानता है इट्स ए फॉरेन लैंड विद इन इंडियन लैंड, ठीक है? उसको उसने डीम्ड एक्सपोर्ट डाल दिया, बिकॉज SEZ इज कॉल्ड फॉरेन लैंड, इट इज डीम्ड टू बी ए फॉरेन लैंड विद इन इंडियन लैंड। लेकिन EOU में वो कंसेप्ट नहीं होता। EOU इज इंडियन लैंड, इंडियन टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन। EOU के केस में ये जो है ना केस, EOU जब नॉर्मल एक्सपोर्टर एडवांस लाइसेंस लेता है तो वो EOU की कैटेगरी में आ जाता है। EOU में एडवांस लाइसेंस लेने की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है? तो EOU को जितनी इंपोर्ट होती वो टैक्स फ्री या ड्यूटी फ्री होती है। अभी वो ड्यूटी फ्री के केस में जो IGST का चक्कर है ना, वो अभी भी पूरी तरह से कांटा निकला नहीं है, वो भी फंसा हुआ है। कुछ क्लैरिटी है, मैं अभी फाइनल वर्ड इसलिए नहीं दे रहा कि करवट बदल ली तो बाद में आप कहोगे जी आप बता गए थे।